हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या आप सच में टाइम को मैनेज कर सकते हो। आप लोगों में से कितने ने सुना होगा कि टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन, बहुतों ने सुना होगा और बहुत लोग इसको बहुत एक कोट ऊपर अपनी कॉपी के ऊपर लिखते भी होंगे। बट इसका मतलब है कि जो समय है और जो पानी की लहरें हैं वो किसी के लिए रुकती नहीं है। तो क्या टाइम मैनेजमेंट की टाइम को मैनेज कर सके, ऐसा ये पॉसिबल लगता है? टाइम अपनी जगह पे कांस्टेंट चीज है, ठीक है। टाइम को हम कभी भी कांस्टेंट नहीं कर सकते, मतलब टाइम कैन नॉट बी स्टॉप। सो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करो तो जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे? सो गाइस, मेरे ओपिनियन से कि टाइम मैनेजमेंट को मतलब टाइम को हम मैनेज नहीं कर सकते। सो एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ही एक ऑकवर्ड सा वर्ड लगता है। सो टाइम मैनेजमेंट की जगह अगर हम इसको सेल्फ मैनेजमेंट से रिप्लेस कर दें तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। क्योंकि अगर हम टाइम के पीछे भागेंगे, क्योंकि टाइम हमारा रुकता तो है नहीं, वी नो दैट। सो अगर हम टाइम के पीछे भागेंगे तो हम टाइम को पकड़ नहीं पाएंगे, दैट्स ऑब्वियसली अ ट्रू सेंटेंस। सो हम ऐसा कुछ करें कि हम अपने आप को टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकें, तो वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि आप टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करो। सो यही वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आप को मैनेज करो टाइम के साथ, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो रखनी है आपको, आपको एक मिनिमम बेस लाइन अपने लिए सेलेक्ट करनी है कि इससे ऊपर या इसके नीचे मैं नहीं सोऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने गोल लगाया कि मेरे पेपर शुरू होने वाले, मैं रात को 1 बजे तक पढ़ूंगा, सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा। और हाँ, मिनिमम आपको 6 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है मिनिमम, और मैक्सिमम 8 या उससे ऊपर नहीं। क्योंकि होता क्या है यार, अगर हम लोग 6 घंटे से पहले मतलब 6 घंटे तक नींद लेते हैं तो उतना हमें हाँ डिजीनेस नहीं आती और हम लोग एक तरह से एक्टिव रहते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम 6 घंटे से पहले मतलब 4 घंटे 5 घंटे की नींद लें, जो कि 1-2 दिन तक बड़ा एनर्जेटिक लगता है, क्योंकि आपके ब्रेन में एक सब्सटेंस होता है या केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है एड्रेनलिन। सो वो 1-2 दिन जब आपके माइंड में रिलीज होता है ना, तो उससे आपको एक अलग बूस्ट मिलता है कि हाँ भाई मैं कर ले जाऊंगा। मैंने भी बहुत ट्राई करा था कि 5-4 घंटे सोने का, बट वो 1-2 दिन के बाद नहीं टिका। हाँ, अगर वो आप उसमें मास्टर कर लेते हैं, क्योंकि अपना आपका जो ब्रेन है वो इस हिसाब से बना ही है कि वो किसी ना किसी चीज़ को अपने आप से मास्टर कर देगा। सो अगर आपके पेपर शुरू होने, तो ऑब्वियसली बात है भाई, आपको याद करना होगा, चीज़ों को प्रिपेयर करना होगा, तरह तरह के प्रेशर्स होंगे, फैमिली प्रेशर, टीचर प्रेशर, तो उन सबसे ऊपर आके आपको मिनिमम 6 घंटे की नींद लेनी लेनी है, मैक्सिमम 8 घंटे के ऊपर नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप 8 घंटे के ऊपर नींद लोगे तो होता क्या है यार कि आपको मतलब आपका तो पूरा टाइम वेस्ट होना ही होना, क्योंकि 8 घंटा तो बहुत हो जाता है, 8 घंटे की एकदम इनफ नींद होती है। अगर आप उसके ऊपर एक्सीड करो तो आपका टाइम वेस्ट, पहले भी टाइम वेस्ट होगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको पूरे दिन लेजीनेस फील होगी। अगर आप 4 घंटे सोओगे तो आपको डिजीनेस होगी, और अगर आगे सोओगे तो लेजीनेस होगी। डिजीनेस लेजीनेस क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है यार, अगर मान लो 4 घंटे सोए तो मतलब आँखें एकदम दर्द होने लगती है कि स्ट्रेन आता है आँखों में 1-2 दिन के बाद। वहीं अगर आप 9 घंटे की नींद लेते हो, 9 से 10 घंटे की, होता क्या है आपको और सोने का मन करता है, हालांकि वो आपकी नींद नहीं होती। मेरे साथ भी होता है, बहुत बार होता है, आप काम कर रहे हो, 8 घंटे से ऊपर नींद ली, आपने काम करा, आपको तुरंत नींद न लगेगी। तो इस चीज़ पे अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो होपफुली ये 2 पॉइंट आपको अच्छे लगे हो, और अगर अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करिएगा। और हाँ, आगे चलते हैं तो अपने आप को मैनेज कैसे करें। अपने आप को मैनेज करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि अपने टाइम को कैसे आप स्केड्यूल करते हैं, और के हिसाब से अपने स्लॉट्स में अपने जो वर्क है उसको अलॉट करते हैं। सो मान लो आपको इतना टास्क आज पूरे दिन में करना है, ठीक है, आपने एक लिस्ट बनाई, हाँ मुझे भाई इतना काम करना है, एक एक करके मुझे ये करना है, ये करना है, मुझे मैथ्स प्रिपेयर करना है, मुझे साइंस प्रिपेयर करना है, दैट्स इट, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइम के हिसाब से नहीं चलना है, आपको ये सब नहीं करना है कि भाई मैं 8 से 9 ये पढ़ूंगा, मुझे 10 से 11 ये पढ़ना है, ये सब नहीं करना है आपको। आपको ये करना है कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लो आपको मैथ सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, मान लो आपने उस पर 2 घंटा या 3 घंटा का स्लॉट लगाया कि भाई मुझे 2 घंटे लगातार मैथ्स पढ़नी है, तो मैथ्स पढ़नी है। हाँ, तो और हाँ एक बात ध्यान रखना कि मैथ्स पढ़ते हुए कभी भी अपने साथ फ़ोन मत रखना। मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ कि ये फ़ोन को अपने साथ दूर रखूँ, क्योंकि होता क्या है आपको बहुत एक वो होती है, मान लो आपने सॉल्व करा तो आपको तुरंत एक तरह से सेंस वो होता है, बेचैनी टाइप की होती है, एंजाइटी, कि आप भाई वो आंसर चेक करो, और अगर वो आंसर गलत आया तो आपको आप तुरंत सोल्यूशन पर बाउंस करते हो। सो वो एक गलत चीज़ है, क्योंकि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, क्योंकि आप पेपर में तो फिर फ़ोन ले जाओगे नहीं, ठीक है। सो मान लो आपने 2 घंटे का मैथ 3 घंटे का मैथ का स्लॉट प्रिपेयर करा,
तो उसमें आपको भाई सिर्फ मैथ्स, कुछ नहीं सिर्फ मैथ्स ही प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सो सिमिलरली अगर आप इन चीज़ों को अपने ऊपर या अपने वर्किंग कंडीशंस में इन चीज़ों को अलॉट करोगे, फॉर एग्जाम्पल भाई जो मैंने आपको बताया कि आप पर्टिकुलर स्लॉट में पर्टिकुलर वर्क को एलोकेट कर दो और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली काम करो, सो ये आपको एक सेंस, एक बूस्ट देगा। हाँ, ये आपको एक तरह का बूस्ट देगा कि आप अपने काम को और ज़्यादा जल्दी कर सको, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप इसको फॉलो करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाओगे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, दैट्स नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो एक टास्क आता है कि आपको, जैसे मान लो आपके होमवर्क्स आते हैं, आपको होमवर्क्स मिलते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं स्कूल से, तो उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि वो चीज़ जो होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। अगर टाइम कंज्यूम हो रहा है तो टाइम बचेगा कैसे, 24 घंटों में से मान लो आपने 6 घंटे सो गए, उसके बाद अदर एक्टिविटीज में 2-3 घंटे वेस्ट कर दिए, सुबह स्कूल के मान लो 7-8 घंटे ऐसे वेस्ट हो गए, बाकी के प्रोजेक्ट के तुम्हारे 5 घंटे वेस्ट हो गए, क्योंकि प्रोजेक्ट भी बड़ा होता है ऑब्वियसली, कोई होमवर्क मान लो होमवर्क कम से कम मिनिमम 2 घंटे का होता है, सो बचा तुम्हारे पास कुल 2 घंटे, सो तुम 2 घंटे में कैसे मैनेज कर पाओगे उसे। सो इसके लिए अगर एक काम हो सकता है कि अगर तुम एक कार्टेशियन प्लेन बना लो, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन से मेरा मतलब है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर पॉजिटिव पार्ट तुम लिख दो कि इंपॉर्टेंट टास्क, ऊपर लिख दो हेडिंग इंपॉर्टेंट, सिमिलरली नीचे लिख दो अनइम्पॉर्टेंट, वाई पॉजिटिव, एक्स साइड में लिख दो अर्जेंट और इधर लिख दो अनअर्जेंट, नॉट अर्जेंट, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपने टास्क को इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट की सेंटर लाइन के बीच में कर देते हो, सो इससे आपको यार एक सेंस मिलता है कि हाँ ये काम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और अगर मैं इसको नहीं करूँगा तो ये काम मेरा छूट जाएगा या मुझे किस तरह का पनिशमेंट टाइप की मिलेगी। सो अगर जब ये सेंस आपके अंदर आ जाएगी ना तो आपको हर जगह काम दिखेगा, क्योंकि आप उस समय फ्री रहोगे नहीं ना, आपका जो माइंड है कहीं ना कहीं इंडल्ज रहेगा, और जब आपका माइंड इंडल्ज रहेगा तब आपको बेस्ट प्रोडक्टिविटी और बेस्ट एफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है, ये एक फैक्ट है। सो आपको आप ऐसे अपने टास्क को राइट कर लेना, और कभी कभार होता है कि हमें बाहर जाकर सामान लाना पड़ता है तो उस चीज़ को यार अवॉइड करना, क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कि हमें जाना पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर उसे अवॉइड नहीं करोगे ना तो आपका माइंड जो होता है, मान लो आपने स्टडी करी 1 घंटा ही पूरा नहीं हुआ, आपको बाहर से काम आया तो आप भाई ओबीडियंट बच्चे निकल जाओगे बाहर काम करने, ठीक है, काम करने जाओगे, आपका माइंड तो रिलैक्स होगा, माइंड तो रिलैक्स होगा, बट जब वापस आओगे तब जो काम जो कर रहे थे उसको करने का मन नहीं करेगा। ये भी एक होता है, बहुत सारे होता है, क्या कहते हैं कि आपका माइंड बाहर जाके इंडल्ज हुआ है, बाहर उसको अपने बाहर सराउंडिंग दिखा दी, तो वो आप उतना फोकस नहीं कर पाएगा जितना वो पहले 45 मिनट या 1/2 घंटे में कर रहा था, ठीक है। तो इस फैक्ट पे या इस चीज़ पे थोड़ा गौर करना कि बाहर हो सके तो उतना अवॉइड करो, क्योंकि हाँ ब्रेन को एक तरह का रिलैक्सेशन तो चाहिए, ठीक है, वो देना ज़रूरी है, बट ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा बाहर जाओ, मतलब 1 घंटा पूरा नहीं हुआ आप बाहर जा रहे हो, 2 घंटा पूरा नहीं हुआ बाहर जा रहे हो, तो एक कम से कम अच्छी सिटिंग तो होनी चाहिए यार, अगर अच्छा स्कोर करना है तो एक अच्छी सिटिंग बहुत और मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइस बहुत सारी बातें कर ली, सबसे पहले डिस्कस करा हमने कि टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, सेकंड में बात करी क्या कहते हैं कि अपने जो वर्क कंडीशंस होते हैं या अपने वर्क होते हैं उसको कैसे अलॉट करें, कितने घंटे इसको दें, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कितने घंटे एक वर्क को देते हो, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक दिन में काम करना है, और अगर वो टास्क छूट जाए तो उसके लिए कोई और टास्क, मतलब जैसे मान लो आपका मैथ सब्जेक्ट था, आप देर में उठे और आपने मैथ शुरू करा, तो यार वो मत करना यार, उससे ये होगा क्या कहते हैं कि आपका जो पहले जैसे मान लो ये शेड्यूल था, ठीक है, मैथ्स साइंस एसएसटी मान लो एक एग्जांपल, तो आपका मैथ जो था आप देर में उठे तो मतलब मैथ्स इधर शिफ्ट हो गया, मतलब आपने मैथ्स से इस पोर्शन में एसएस जो कि पोर्शन था मैथ्स और साइंस का जो बीच में था उसमें आपने मैथ्स करी, मतलब साइंस की जगह मैथ्स करी, तो साइंस जो एसएसटी की जगह करोगे तो वो साइंस करोगे, तो उसके बाद एसएसटी के लिए टाइम नहीं बचेगा ना। सो यही एक चीज़ को आपको गौर करना है कि आपको हर एक चीज़ मतलब एक अर्जेंसी होनी चाहिए हर एक करने की यार, हाँ पेशेंस होना चाहिए हर चीज़ के लिए, बट एक अपने काम करने के लिए अर्जेंसी होनी चाहिए, अगर ये नहीं अभी नहीं करा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, एक ये अर्जेंसी जब आ गई ना तो फिर फोड़ दो गैर आप, ठीक है। सो गाइस और थर्ड चीज़ हमने बात करी कि अपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में कि अपने वर्क को कैसे अलॉट कर सके। सो होपफुली यार समरी मैंने आपको बता दी है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अंत में ये कहना चाहूँगा टू गेट समथिंग यू नेवर हैड यू नीड टू डू समथिंग यू नेवर डिड, और हो सके तो जो भी मैंने पॉइंट्स आपको 3 पॉइंट बताए उन पे थोड़ा सा गौर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अंटिल द टाइम स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।